हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का पार्ट 5 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें भी हम लोग जो VFD का जो बेसिक कंट्रोल स्कीम के बारे में और कंट्रोल के बारे में इन डिटेल देख लेंगे। सो ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल है फ्रेंड्स। कोई भी प्रोसेस में हम लोग जनरली ओपन लूप बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग का बेसिकली ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, प्रोसेस का जो फाइनल आउटपुट सिग्नल है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो कंट्रोल सिग्नल का थ्रू बेसिकली जो हमने रेफरेंस देते हैं, कोई भी प्रोसेस में आपको कोई भी प्रेशर का सेट पॉइंट है इसको हम दे दिया था हमारा कंट्रोल का थ्रू, जो कोई भी कंट्रोल वाल्व है इसका थ्रू हमको वो वाल्व ओपन हुआ था। इसके बाद हमको इसका जो फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से हमको प्रेशर मेंटेन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आया, कोई भी इंटरफेरेंस आया तो ये हमारा कॉन्स्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपको चेंज हो जाएगा जैसे इसका इंटरफेरेंस कम हो गया था, इसके बाद ये नॉर्मली मेंटेन हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको ये सिंपल ओपन लूप कंट्रोल है, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है सर फ्रेंड्स। इसमें आपको सिंपल आपको यहाँ का थ्रू जो आपको यहाँ जो इसका रेफरेंस दे रहे हैं उसी का थ्रू आप लोग कंट्रोल करा सकते हैं। आपको जनरली आपको मोस्ट ऑफ द स्कीम्स हमारा सिंपल ओपन लूप कंट्रोल रहते हैं क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल कंट्रोल है ये हमारा, और इसमें आपको कोई भी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि कोई भी फीडबैक डिवाइस नहीं है इसमें आपको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको क्लोज लूप कंट्रोल में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसका आउटपुट का हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रेफरेंस का साथ कंपेयर करके हम लोग एक कंट्रोलर में देते हैं और उस कंट्रोलर का हम लोग इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको कंट्रोलर आपको अलग अलग कंट्रोलर हो सकते हैं, PPI PID या कोई भी कंट्रोलर हो सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हम आगे इन डिटेल देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको जो एरर आउटपुट है उसको आपको कंट्रोलर में देते हैं, उसमें आपको कोई भी इंटरफेरेंस होते हैं उसमें जो आउटपुट में चेंज होते हैं वो आउटपुट का चेंज की वजह से इसका जो डिफरेंस ये हमको आ जाते हैं फ्रेंड्स, वो आपको इसका जो रेफरेंस का साथ कंपेयर करके हमको जो डिफरेंस एरर आता है उसके थ्रू हमारा कंट्रोलर आपको रेस्पॉन्ड करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ आपको जब तक आप मैन्युअली इंटरवेंशन नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ आपको इसका कंट्रोल सिग्नल चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको नॉर्मली हम लोग कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू देखेगा तो ये हमारा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ही हम लोग कंट्रोल करना है, जैसे हमने इसमें प्रोसेस में हम लोग को कोई भी प्रेशर फ्लो या नहीं है तो इसका जो लेवल है या ऐसा कुछ भी आपको कंट्रोल करना है फ्रेंड्स, उसको आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है। इसका जो मेजरमेंट है प्रेशर है तो प्रेशर, इसका जो प्रेशर ट्रांसमीटर का थ्रू, फ्लो है तो फ्लो ट्रांसमीटर का थ्रू, लेवल है तो लेवल ट्रांसमीटर का थ्रू, इसका जो फीडबैक देते हैं 4 to 20 mA है उसको प्रोपोर्शनली हम लोग कन्वर्ट करके जो आपको कंट्रोलर में जो सिग्नल चाहिए उसकी प्रोपोर्शनली आप कंट्रोल कन्वर्ट करके ये हमारा XR है, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है। हमको इसके थ्रू हमने इसको जो सूटेबल वैल्यू में हमने कन्वर्ट करके XR हमने दिया है फ्रेंड्स, कन्वर्टेड मेजरमेंट सिग्नल है। इसके बाद ये हमारा सेट पॉइंट है, हमने पॉट का थ्रू या नहीं है तो कोई भी डिजिटल का जो रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं वो हमारा सेट पॉइंट है, और उसको हम लोग प्रोपोर्शनली चेंज करके हमने ये W इज हमारा रेफरेंस सिग्नल है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा रेफरेंस और इसका जो फीडबैक आ रहे हैं ये दोनों हमारा कंट्रोलर में डिपेंड्स ऑन हमारा कंट्रोलर है। अगर इसका PID कंट्रोल रहे तो यहाँ दिया था हमने PID है तो इसका जो डिफरेंस है उसकी बेसिस में हमारा कंट्रोलर का टाइप से चेंज होते हैं, और कंट्रोलर का आउटपुट आते हैं फ्रेंड्स हमारा YR है, ये हमारा कंट्रोल सिग्नल है। वो हमको जाते हैं फ्रेंड्स हमारा जो ड्राइव है, ये हमारे D इज हमारा ड्राइव है, VFD है, इसके थ्रू हमको जो हमारा कंट्रोल डिवाइस का थ्रू हमको ये कंट्रोल करते हैं। ये आपको MOV हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बेसिकली ये ड्राइव का थ्रू आपको यहाँ आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको फाइनली इसका प्रोसेस का जो वेरिएबल है आपको इसको मेंटेन कर पाते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कोई भी कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू है। यहाँ आप इनकेस आपको VFD का केस में हम देखेंगे तो फ्रेंड्स VFD का केस में मैं आपको बताया था VFD में ये हमारा कन्वर्टर है, हमको कन्वर्टर का हमको PWM का थ्रू हम लोग एक कन्वर्टर कंट्रोल का थ्रू दे रहा था। सबसे पहले हमको मोटर कंट्रोल है फ्रेंड्स, मोटर में हम लोग को क्या कंट्रोल कर सकते हैं मोटर में आपको मोटर का टॉर्क या स्पीड या नहीं तो पावर है, बेसिकली हम लोग जनरली हम लोग स्पीड या टॉर्क को कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स मोटर में, ठीक है। सो मोटर का स्पीड या टॉर्क है जो आप यूज़ करते हैं उसका एक्चुअल फीडबैक हमने दे दिया था, और इसका जो रेफरेंस हमको आते हैं फ्रेंड्स इसका प्रोसेस में, इस मोटर को जिसमें फॉर एग्जांपल पंप में यूज़ कर रहे हैं उस पंप का प्रेशर मेंटेन करना है या नहीं तो उस पंप का
मार्केट में इसका जो एप्लीकेशन है, इसका अगर हमें इसका लेवल मेंटेन करना है, वो सारे कोई भी है यहाँ आपको आएगा और वो आपको इसका रेफरेंस पॉइंट के साथ आएगा। इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमको इसका स्पीड या टॉर्क का रेफरेंस बनेगा, और जो एक्चुअल से अगर वो डिफरेंट है तो हमको इसके प्रोपोर्शनली आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा इसका जो सिग्नल बनेगा वो आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ इसको कंपेयर करके हमको यहाँ पल्स रेस प्रोपोर्शनली चेंज हो जाएगा और इसका वी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनली चेंज हो जाएगा। जब तक ये हमको मेंटेन नहीं होगा तब तक इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहते हैं। जब इसको पास मेंटेन हो जाते हैं इसके बाद उसका पल्सेस से उतना पे मेंटेन हो जाते हैं ड्यू टू आई कंट्रोलर इंटीग्रेटर का वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको सिंपल हमारा कंट्रोल सिस्टम है, हमारा VFD सिस्टम है। VFD सिस्टम में जो उसका कंट्रोल यूज़ करते हैं उसके बारे में, अगर हम लोग VFD में हमको दो तरफ का कंट्रोल होता है फ्रेंड्स, एक हमारा स्केलर कंट्रोल बोलते हैं, दूसरा हमारा वेक्टर कंट्रोल बोलते हैं। वेक्टर कंट्रोल के अंडर ही हमारा DTC भी आता है। इसका पहले वीडियो में हमने डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल ABB का एक डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल के बारे में बताया था, लेकिन जनरली कोई भी मेक का अगर आप देखेगा तो उसमें आपको दो कंट्रोल्स की मिल जाते हैं, एक हमारा स्केलर कंट्रोल, दूसरा हमारा वेक्टर कंट्रोल है, और तीसरा सिंपल VBF कंट्रोल मिलता है आपको। यहाँ आपको देखिएगा तो स्केलर कंट्रोल भी आपको दो प्रकार का हो सकते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी रेफरेंस देना है, आपको वो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के हिसाब से ये आपको एक्चुअली हमारा जो मोटर का, अगर ठीक है मोटर का जो आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन है सब देखकर हमारा ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको VBF मेंटेन करके इसको इसका जो फायरिंग को चेंज करते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर बोलते हैं इसको। दूसरा हमारा इनकेस आप एनकोडर यूज़ कर रहे हैं मोटर में, मोटर का शाफ्ट में एक एनकोडर लगाया है, तो एनकोडर क्या करते हैं मोटर का RPM, इसका जो RPM का फीडबैक मिल जाते हैं हमको, और मोटर का एक्चुअल रेफरेंस, मोटर का आपको कितना स्पीड पे घुमाना है, तो अगर स्पीड कंट्रोल है तो उतना स्पीड दे देगा, तो वो स्पीड का डिफरेंस आपको PA कंट्रोलर में जाएगा। वो PA कंट्रोलर का इसका जो आउटपुट है, UC है, इसका कंट्रोल सिग्नल है, वो आपको बनेगा फ्रेंड्स हमारा इसमें, जो आपको PWM इसको जो बनना है बनाने के लिए जो आपको बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ स्केलर कंट्रोल में आपको अगर आपको स्पीड कंट्रोल को सेट किया तो ये स्विच इसमें सेलेक्ट होगा, आपको स्पीड कंट्रोल के हिसाब से आपको ये आपको कमांड जाएगा कंट्रोल सिग्नल। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इसमें आपको करंट कंट्रोल यूज़ किया तो आपको क्या होगा, आपको जो करंट फीडबैक, जो हमारा मोटर का करंट फीडबैक आ रहे हैं वो आपको आएगा फ्रेंड्स यहाँ, और इस करंट को आपको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अगर करंट फीडबैक रखा है तो इसकी प्रोपोर्शनली आपको कंट्रोल सिग्नल यहाँ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया जाता है हमारा मोटर में, इन केस आपको करंट ज़्यादा हो रहा है तो इसको लिमिट कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग स्केलर कंट्रोल में, सिंपल स्केलर कंट्रोल में हम लोग इसका जो इन्वर्टर का, इसका जो IGBT या MOSFET का इसका फायरिंग प्रोसेस हम लोग कंट्रोल करके इसका आउटपुट में इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करा के इसका करंट या स्पीड या टॉर्क को हम लोग इसको कंट्रोल करा सकते हैं मोटर में। इन केस ऑफ वेक्टर कंट्रोल है फ्रेंड्स, वेक्टर कंट्रोल में देखेगा तो वेक्टर कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, पहले वीडियो में भी हमने बताया था, सबसे पहले हम लोग को मोटर का आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ता है वेक्टर कंट्रोल में। वेक्टर कंट्रोल में आइडेंटिफिकेशन कैसे कराते हैं फ्रेंड्स, इसमें इसमें अब मोटर का आइडेंटिफिकेशन रन टेस्ट कराते हैं कोई भी VFD में। ये वो कराने के टाइम पे VFD क्या करते हैं हमारा स्लाइटली इसका फायरिंग पल्स थोड़ा सा खोल कर इसमें थोड़ा सा वोल्टेज देकर इसका VBI मेजर करके इसमें इंडक्टेंस और इसका जो रेसिस्टेंस है वो आपको रिकॉर्ड कर देते हैं, और इसका जो मोटर का आइडेंटिफिकेशन इसमें हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मोटर का आइडेंटिफिकेशन जैसे हो गया था इसके बाद आप जो कंट्रोल सेलेक्ट किया था स्पीड कंट्रोल या टॉर्क कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल सेलेक्ट किया था आपको स्पीड रेफरेंस से जो आपको एनकोडर का थ्रू जो आया था वो मैंने स्पीड रेफरेंस वो आपको कंट्रोल सिग्नल में जाएगा, और इसको PA कंट्रोल का थ्रू आपको इसका जो टॉर्क कंट्रोल या स्पीड कंट्रोल में जाएगा, इसके थ्रू आपको इसका फायरिंग पल्सेस से वो चेंज हो जाएगा। इन केस अब आपको टॉर्क रेफरेंस सेलेक्ट किया तो आपको टॉर्क कंट्रोल में जाएगा आपको, या आपको फायरिंग पल्सेस चेंज होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा इन केस ऑफ फ्लक्स कंट्रोल में जाएगा तो आपको फ्लक्स का रेफरेंस दिया जाएगा आपको, उसके थ्रू आपको कंट्रोल होगा, आपको फ्लक्स कंट्रोल में आपको ये करंट का थ्रू, इनफैक्ट टॉर्क कंट्रोल भी आपको करंट कंट्रोल करने से ही होगा, टॉर्क और फ्लक्स कंट्रोल में आपको इसका मोटर का करंट कंट्रोल करके ये आपको चेंज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा वेक्टर कंट्रोल है फ्रेंड्स, इसमें
अगर आप स्केलर और वेक्टर कंट्रोल का कंपैरिजन देखेगा तो स्केलर कंट्रोल का रेजोल्यूशन और वेक्टर कंट्रोल का रेजोल्यूशन सेम है, 1:1000 है, मतलब आपको 1000 RPM का मोटर है। अगर आपको 1000 RPM का मोटर है तो आपको 1 RPM से लेकर आपको 1000 RPM को इन स्टेप्स ऑफ 1 RPM में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो नॉन लीनियरिटी आपको ±12% है, वो नॉन लीनियरिटी क्या होते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा फ्रेंड्स। और ये आपको कम होना चाहिए, ये आपको 1% है फ्रेंड्स वेक्टर कंट्रोल में। इसकी वजह से जल्दी आपको रीच हो सकते हैं इसका जो स्टेडी स्टेट तक। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिविटी है, रिप्रोडक्टिविटी है, ये आपको ये भी आपको वेक्टर कंट्रोल में अच्छे है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको रिप्रोडक्टिविटी मतलब आपको जो टी रेफरेंस है, टी एक्चुअल से जहाँ आपको मैच होते हैं वो आपको प्रोबेबिलिटी है, वो आपको ज़्यादा है आपको वेक्टर कंट्रोल में रहते हैं। इसके बाद टॉर्क कंट्रोल टाइम है, टॉर्क कंट्रोल टाइम है इसका 150 मिली सेकेंड में ये रेस्पॉन्स होते हैं, और ये आपको 10 to 20 मिली सेकेंड के अंदर ये रेस्पॉन्स हो जाते हैं टॉर्क कंट्रोल से। अगर आप स्पीड कंट्रोल में अगर यूज़ करें तो इसका जो स्पीड रेजोल्यूशन है फ्रेंड्स, ये आपको टॉर्क कंट्रोल में रेजोल्यूशन है, स्पीड कंट्रोल में आपको 1:20,000 है, मतलब आपको अगर मोटर है आपका 2000 RPM का मोटर है तो आपको इवन 0.1 RPM तक इसका कंट्रोल कर सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 उतना रेजोल्यूशन में आपको 2000 RPM तक इसको मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो स्पीड रेंज है आपको 1:40 में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 1:1000 में कर सकते हैं। और इसका जो एक्यूरेसी है दोनों का सेम ही है, लेकिन डायनेमिक एक्यूरेसी देखेगा तो वेक्टर कंट्रोल का बहुत ही अच्छे हैं। वो कैसे होते हैं फ्रेंड्स मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे आप यहाँ देखेगा तो इनकेस आपको डायनेमिक एक्यूरेसी है, अगर आपको लोड है सडनली चेंज कर दिया, मतलब इसका लोड चेंज किया, मतलब इसका टॉर्क चेंज कर दिया, लोड टॉर्क 100% है, सडनली चेंज हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका, आपका जो इन केस ऑफ स्केलर कंट्रोल में अगर लो इनर्सी है मोटर, तब क्या होगा आपको, ये आपको स्केलर कंट्रोल में आपको धीरे 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 ये होकर इसके बाद अप करके आपको धीरे यहाँ आपको स्टेडी स्टेट इसका जो रेफरेंस वैल्यू को वो पहुँचते हैं, लेकिन आपको वेक्टर कंट्रोल में बहुत जल्दी आपको पहुँच जाता है, क्योंकि वेक्टर कंट्रोल में आपको फीडबैक है इसके थ्रू आपको यहाँ काम कर रहे हैं। और ये आपको बहुत ही जल्दी, मैं आपको बताया था पहले भी, TTC कंट्रोल में जैसे हर 25 मिली सेकेंड के इसका टॉर्क फ्लक्स और इसका स्पीड का कैलकुलेशन होते हैं, उसकी बेसिस में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट इसका क्या इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है और इसका करंट ट्रेन है वो आपको डिसाइड करते हैं VFD। तो इसी वजह से इसका जो डायनेमिक रेस्पॉन्स है बहुत ही फास्ट है वेक्टर कंट्रोल में। और आपका हाई इनर्शिया मोटर में देखेगा तो हाई इनर्शिया मोटर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हाई इनर्शिया मोटर में आपको इमीडिएटली इसका जो टॉर्क या स्पीड का चेंजेस इमीडिएटली नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन उसमें भी आप देखेगा तो स्केलर में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन वेक्टर में बहुत ही जल्दी होगा फिर, इसीलिए मैं आपको बता रहा था इसका जो डायनेमिक एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छे हैं वेक्टर कंट्रोल का। अगर इसका जो नॉर्मली हम लोग एक कंट्रोल का देखेंगे तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मैं आपको ये एक मोटर है, वो मोटर है एक पंप का थ्रू एक हमारा टैंक में इसका लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, एक टैंक में इसका लेवल का कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, हमारा मोटर को चालू करने से पंप चलेगा और इसका लेवल जैसे ही इसका लेवल अप डाउन होते हैं उसके हिसाब से पंप का इसका स्पीड या वोल्टेज चेंज करना है फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में, या नहीं है तो अगर लेवल कम्प्लीटली पहुंच गया तो इस मोटर को बंद करना है। इसको आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनकेस आप सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोल यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, जैसे मैं आपको कंट्रोलर में देख रहे हैं तो सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर इसका जो एरर वैल्यू है, इसका सेट पॉइंट माइनस इसका एक्चुअल वैल्यू है, वो आपको एरर बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि जनरली सारे कंट्रोलर जनरली हिस्टीरेसिस कंट्रोल जैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको इसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस का थोड़ा सा +0.1% -0.1% का नीचे रखते हैं, जैसे इसका ऊपर आ जाते हैं तो इसको फायरिंग ये बंद हो जाते हैं, और जैसे नीचे हो जाते हैं तो इसका फायरिंग ये चालू होते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल कंट्रोल में क्या होते हैं फ्रेंड, इनिशियली जब आपको एरर ज़्यादा है तो इसका जो आउटपुट भी है, इसका जो फायरिंग भी ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन जैसे ही इसका फायरिंग बढ़ गया है तो इसके बाद इसका एरर कम हो जाएगा, इसका फायरिंग फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए आपको स्टेडी स्टेट एरर कभी भी आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जीरो नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आप सिंपल ऑप एम्प से डिराइव करना है तो आप सिंपल ऑप एम्प से आप ऐसे डिराइव करा सकते हैं।
यहाँ आपको आउटपुट इक्वल टू माइनस आर टू बे आर वन एफ एन, सिंपल आपको ऑफ एम्प है, सिंपली आपको यहाँ आपको प्रोपोर्शनली इसका इनपुट वोल्टेज है इसका दोनों में अगर आप दे देगा तो इसका जो डिफरेंस वोल्टेज है प्रोपोर्शनली यहाँ आपको कम होते हैं, ठीक है। ये सिंपल ऑफ एम्प है, ठीक है। आपको इसके थ्रू आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आप करा सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आपको जहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वहाँ आपको एक्चुअली स्टेडी स्टेट एरर कभी भी प्रोपोर्शनल कंट्रोल में जीरो होते हैं कोई गारंटी नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इनिशियली इसका जो रेस्पॉन्स है बहुत फास्ट है, स्टार्टिंग कंडीशन पे जो इनिशियली जिसका जो एरर है आपको बहुत ज़्यादा है, एरर ज़्यादा है तो इसका रेस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत जल्दी इसका आउटपुट बढ़ जाता है। जैसे ही बहुत आउटपुट जल्दी बढ़ गया था इसके बाद तुरंत वैल्यू इसका जैसे आउटपुट बढ़ गया था इसका एरर कम हो जाएगा, फिर इसमें ऑसिलेशन ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो स्टेडी स्टेट एरर जीरो करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल कंट्रोल यूज़ करते हैं। इंटीग्रल कंट्रोल में क्या होता है, हमारा एरर है हर बार इसका एक्यूमुलेट होता है, सो दैट इसका इवन इररेस्पेक्टिव ऑफ, अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोल में क्या कर रहे हैं डायरेक्ट एरर आ गया तो इसको डायरेक्ट इसका एरर वैल्यू को यहाँ कंट्रोलर में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो अभी टी नॉट में जो आया इनिशियली एरर जीरो है, टी वन के बाद जो एरर आया था वह एरर को ये रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद इस एरर को नेक्स्ट एरर को आपको ऐड करते हैं, सो दैट इसका जो फायरिंग एंगल है मिनिमम हमेशा मेंटेन करते हैं, सच दैट इसका जो एरर जब तक जीरो नहीं होगा तब तक इसमें थोड़ा सा फायरिंग एंगल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोल में क्या होता है, जैसे एरर इनकेस आपको जल्द थोड़ा पास भी आ रहे थे इसका फायरिंग कमांड बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी वजह से एरर दोबारा बढ़ जाएगा, फिर फायरिंग कमांड बढ़ जाएगा, फिर एरर कम हो जाएगा, फिर फायरिंग कमांड कम हो जाएगा, ऐसे आपको ऑसिलेट होते ही रहते हैं। लेकिन इंटीग्रल कंट्रोलर में आप ऐसे धीरे धीरे एरर का बेसिस में जैसे एरर कम हो रहा है तो इसका फायरिंग भी प्रोपोर्शनली कम होगा, सच दैट आपको एक पॉइंट पे आपको डेफिनेटली इसका जो एरर है जीरो होगा ही होगा। इसमें आपको सिंपल ऑप एम्प में अगर आप डिराइव करेंगे तो ये हमारा ऑप एम्प में इसका आरसी सर्क्यूट है, इसका जो इंटीग्रेटर सर्क्यूट है उससे आप लोग इसको डिराइव करा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अकेला इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ किया तो मैं आपको बताया था पहले भी, इंटीग्रल कंट्रोलर में इसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा नहीं है, जैसे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आपको प्रोपोर्शनली इसका इनिशियल एरर है, आप इसको इनिशियली इसका जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं वो आपको बनाने के लिए आपको सिंपल पीआई कंट्रोलर यूज़ करते हैं, इसीलिए आपको मोस्ट ऑफ द कंट्रोलर्स आपको इंडस्ट्रीज में सिंपल पीआई कंट्रोलर्स होते हैं, उसमें आपको इनिशियली जो तुरंत आपको जैसे ही ऑन करते हैं या नहीं तो तुरंत आपको इसका फायरिंग इसका जो चेंज करते हैं रेफरेंस तब तुरंत जो एरर आते हैं वो इनिशियली इसका जो स्टेप पे है वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जैसे डालेगा तो ये आपको इनिशियली एक स्टेप से चालू हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये जल्दी हमको स्टेडी स्टेट जीरो पहुँचेगा। जैसे यहाँ देखेगा तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ जीरो यहाँ इसको मैच करने के लिए, लेकिन यह ऑलरेडी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे, प्रोपोर्शनली इनिशियली बढ़ गए, तो इसके बाद ये हमको कंटिन्यूसली हमको मेंटेन करेगा और ये आपको स्टेडी स्टेट एरर थोड़ा जल्दी आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ आपको सो इसीलिए आपको मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आपको पीआई कंट्रोलर यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे आपको स्टेडी स्टेट एरर थोड़ा जल्दी आ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको ऑप एम्प में तो सिंपल आपको प्रोपोर्शनल और इंटीग्रेटेड कंट्रोलर दोनों को क्लब करेगा तो तब आपको ये आपको ऑप एम्प में आपको पीआई कंट्रोलर आप डिराइव करा सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको इनकेस ये आपको मैं आपको सिंपल वे फॉर्म में ऐसे ऐसे दे रहा था, लेकिन जहाँ आपको वे फॉर्म बहुत ही ऑसिलेटरी होते हैं स्टार्टिंग में उस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको डेरिवेटिव कंट्रोलर भी ले सकते हैं। डेरिवेटिव कंट्रोलर में इसका ऑसिलेशन अगर ज़्यादा है इनिशियली इसका डायनेमिक रेस्पॉन्स में इस पे ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा है तो तब आपको डेरिवेटिव कंट्रोलर का थ्रू इसका ऑसिलेशंस कम कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव कंट्रोलर की वजह से ओनली ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स इंप्रूव होगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेटर कंट्रोलर की वजह से इसका जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इंप्रूव होगा, ठीक है। सो इसीलिए हमको डेरिवेटिव कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर में क्या होगा, इसका जो इनिशियल ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स है या इनिशियल जो ट्रांसिएंट पीरियड है वो बहुत कम ड्यूरेशन हो जाएगा और इसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। अगर पीआईडी कंट्रोलर आप डिराइव करेगा तो पीआईडी कंट्रोलर आप सिंपल ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं ऑप एम्प में, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपका डिफरेंट कंट्रोलर से इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं,
हमारे साथ आगे भी बनाते रहिए फ्रेंड्स। तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस थैंक यू।